तो गाइस यार तुम्हारे भाई ने जस्ट अभी अभी किया पोचिंकी में लैंडिंग, और भाई साहब जीरो भाई ने किसी लौंडिया को पेल दिया भाई। अब उसका बॉयफ्रेंड भाई हमारे वाले घर में है। अच्छा। और हमारी फटके चार हो गई है क्योंकि लग रहा है भाई गुस्से में आएगा साला, पेल ही देगा। तुम्हारा भाई टीवीपी ले रहा है, उजी है हाथ में, बट हेलमेट वैश नहीं है भाई। एक हेड लगेगा और तुम्हारा भाई लॉबी में मिलेगा। अबे साले आ जाओ बे, जल्दी आ रहे हो तो ठीक है वरना भाग जाएंगे यहाँ से हम कूद के। ठीक है दिमाग खराब ना करो हमारा। नहीं गाइस लगता है भागने भी नहीं देगा ना, ये दिक्कत तो ये है भाई। भागने को तो मैं भाग जाऊँ, कोई नहीं गाइस इसको आने दो साले को, यहीं से मारूंगा टी वी पी लेके। आ गया क्या? आ गया भाई आ गया। अबे चचा लो बेटा प्रसाद, निकलो साले, तुम्हारी ऐसी गम तैसी। देख रहे हो भाई 1 HP कर दिया साले, उतनी देर से क्या मुहूर्त बैठा रहा था वहाँ पे। हेलो हेलो अब भाई साहब ये कुत्ते की तरह कुछ भौंक तो रहा था, पता नहीं भाई क्या क्या बड़बड़ा रहा था। मुझको लगता है भाई इसको ना अपनी गंडिया टूटने से ज़्यादा इसकी सेटिंग में पिलने का दुख है। तो भाई साहब जरा जीरो को बुला लेते हैं, क्या है ना वो थोड़ा वार्तालाप कर लेगा इनसे। हाँ भाई अब बोलो। तू लोग पूरा दोनों बॉट है वे, तू लोग दोनों बॉट है समझा, कैंप कर साले। कैंपिंग इसको बोल रहा है, वो TPP थी भाई, मेरे पास उजी, इसके पास UMP। भाई साहब इस पे हेलमेट वेस्ट भी था, मेरे पे हेलमेट वेस्ट भी नहीं था, फिर भी साले को मार दिया ना, तो जल रहा है मेरे से हरामी मानुस। अभी आ रहे हैं यहीं पे, आ रहे रुक जा। हाँ तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहीं रुके हुए हैं, और जाना भी चाहेंगे तो तेरे को लगता है इस पोचिंग से निकल पाएंगे? नाम है जीरो और एक का क्या नाम था जो उजी वाला है, हमारे एक बार फिनिश डल में होस लेडी के। हमारा नाम है मियां खलीफा समझे, मतलब करेक्टर का नाम मियां खलीफा है, और तुम बहुत गंदा पिले हो, चले जाओ वरना दोबारा पिलोगे बेटा, बहुत है गंदा। हाँ हाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आना, रास्ते में किसी और से अपनी गंडिया मत तोड़वा लेना, ठीक है हमारे पास ही आना। अब भाई साहब वहाँ से निकलने के बाद हम सीधा आते हैं इधर, क्योंकि भाई इधर चल रही होती है बहुत खतरनाक वाली फाइट। तुम्हारा भाई सीधा घुस जाता है बिल्कुल अंधा, हमको पता नहीं होता, और भाई इसका लग जाता है हेड, और ये इतने चौड़े में रस कर रहा होता है ना। अबे चचा लो बेटा प्रसाद, देखा तुम्हारे भाई की प्रोपंति, देख रहे हो तुक्का लग जाता है कभी कभी, पर भाई खतरनाक मौके पे लगता है तुक्का भी। अब यार इसको जैसे फिनिश डालते हैं, इसका टीममेट पता नहीं भाई कहाँ से टपकता है, नशेड़ी भाई गांजा फूक के खेल रहा है ये देखो। अब भाई सब मस्त हम यहाँ अपना लूट रहे होते हैं, तभी हमको चलता है पता कि भाई जीरो चचा की पेल दी गई, किसके द्वारा, उन्हीं बंदों के द्वारा, पर भाई जीरो ने उसके BF को पेल दिया था। हमारा काम था भाई रिवेंज लेना, लाउंडिया को पेलना। अब भाई साहब हम यहाँ से स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे आएगी ना लौंडिया सड़क क्रॉस करते हुए तो पेल देंगे, पर भाई साहब ये पापा की परी का तो अलग है दिमाग चल रहा था, मतलब फ्लैंक व्लैंक मार रही हैं। अबे मोहतरमा, लो बेटा प्रसाद आप भी निकलो। तो गाइस यार फाइनली तुम्हारे भाई ने ले लिया है रिवेंज, बट यार वो लौंडा हमको नहीं मिला यार कसम से, वरना कह के लेते उसकी भाई। अब गाइस यार देखो हमने इतने बंदों को पेला है ना, थोड़ा बहुत भाई लूट लेते हैं क्योंकि जब तक जीरो आ रहा है ना। अबे 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 रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा रुक जा भोस एलईडी के भाई, देख रहा हूँ कैंपरों को सालों, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ बे तुम लोग। अब यार हम जल्दी से रिकॉल होके आते हैं स्कॉट हाउस में। अब यहाँ हमने एक टीम को पेल दिया होता है तभी भाई एक डुओ देख लो नीचे आ गई है। अब यार हम इनको पेलने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, और ये भाई पता नहीं कौन सा गांजा फूक के आई ना, अंधा रस कर देती हैं, और जीरो चचा भाई यहाँ जाके हक देते हैं। अबे साले तुम्हारी ऐसी कम तैसी, चचा लो बेटा प्रसाद है आज, तुम भी आज तुम भी निकलो साले, पूरा लो भाई पेल दिया। अबे ये क्या हो गया भाई, अबे चचा सालो कैंपिंग तक तो ठीक है चलो, अब इतनी गंदी थर्ड पार्टी कौन करता है भाई। अबे सालो थोड़ी तो शर्म करो, चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरो।